सभी इंदौर वासियों को और खासकर मध्य प्रदेश के निवासियों के साथ साथ आप सबको जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ और खासकर मेरे तो परिवार के और मेरे व्यक्तिगत सब पारिवारिक मेरे प्रति दृष्टिकोण रखने वाले भाइयों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मध्य प्रदेश का गौरव का एक दिन इस बात को लेकर कि मध्य प्रदेश की स्थापना हुई और लगातार उन्नति के शिखर पर या उन्नति की ओर हमारा मध्य प्रदेश अग्रसर है। मैं आप सबको बधाई देता हूँ। कमलनाथ जी की सरकार बने लगभग नवंबर मतलब 11 महीने के आसपास कंप्लीट हुए हैं, जिसमें 3-4 महीने लगातार किसी न किसी प्रकार के आचार संहिता के दौर से हम गुजरते रहे। उसके बावजूद भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का एक पूरे जीवन का सार था कि विश्व भर में उनके संबंध, उनके देश के सारे मंत्रालयों से उनका देश के सारे मंत्रालयों में लगभग कई मंत्रालयों में उनका काम करने का उनका अनुभव और उनका जो पूरे विश्व भर में अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने जो पूरे जीवन ज्ञान अर्जित किया, उसका लाभ मध्य प्रदेश की जनता को इस पूरे परिदृश्य में आप लोगों के माध्यम से देखने को मिला। मूल उद्देश्य सिर्फ एक था, सरकार बनी एक वचन पत्र के माध्यम से बनी, वचन पत्र को लोगों के सामने रखा गया, उसका कंपेरेटिव तुलनात्मक पिछली सरकार से उसका अध्ययन जनता ने किया और फिर कमलनाथ जी पे भरोसा किया। सहयोग से, ईश्वर की कृपा से, प्रकृति के न्याय के अनुसार इस साल अतिवर्षा हुई, जो अतिवर्षा के कारण किसानों की फसलों का नुकसान हुआ और खुशी भी है पर दर्द भी है इस बात का कि चूंकि प्राकृतिक अतिवर्षा में हमारा पानी का जो स्तर है उसको कहीं कहीं पिछले 3-4 साल से जो ड्राई था उस पर अंकुश लगते हुए इस साल हम या आने वाले समय में पानी को लेकर जो दुविधा थी उस पर थोड़ी सी सहायता मिलेगी, पर दुख इस बात का है कि किसानों को जिस तरीके से किसानों का जिस तरीके से फसलों का नुकसान हुआ, सरकार उस पर बड़ी गंभीर भी रही और मैं मानता हूं कि सही समय पर सारे निर्णय लिए गए। आप देखोगे कि सरकार ने जो कहा था, वचन दिया था ऋण माफी का और साथ ही साथ आधी बिजली के दाम करने का किसानों को, वो चाहे एग्रीकल्चर के हेडपम्प के कनेक्शन हो, चाहे बोरिंग के कनेक्शन हो, चाहे हमारे कुएं ट्यूबवेल या नदी से लाया हुआ पानी हो, जो भी किसान के एग्रीकल्चर के कनेक्शन पर 5 हॉर्स पावर के कनेक्शन पर आधा रेट जो पहले की सरकार से लगता था और 10 हॉर्स पावर के कनेक्शन पर भी आधा रेट जो पहले की सरकार पर लगता था। कि भाषण हो रहे हैं, अपने अपने वचन पत्र दिए जा रहे हैं, अपने अपनी घोषणाएं की जा रही है और मेट्रो का जिक्र हो रहा। एक व्यक्ति, एक सरकार, एक सोच जिसने लाभ और लालच के लिए नहीं, इंदौर शहर के विकास के लिए भोपाल और इंदौर में मेट्रो की शुरुआत की, ये अपने आप में इस बात का घोतक है कि एक विज़न के रूप में सरकार सेवा देना चाहती है, इंदौर शहर को सौगात देना चाहती है। आप देखोगे कि मुख्यमंत्री की पहल ही थी कि जिसमें 10 नवंबर को इंडियन टेलीविज़न अवार्ड इस बार इंदौर में होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या, हमारे फिल्मी जगत, हम इंदौर को मिनी मुंबई कहते हैं, पर मिनी मुंबई के जो लाभ है इंदौर को कैसे मिले, इसके लिए विचार नहीं करते। तो हमारी मध्य प्रदेश में फिल्म इंडस्ट्री आए, वो अपनी फिल्मों की यहाँ शूटिंग करे, उससे यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, इसको लेकर एक बड़े विज़न के साथ कि इंदौर और आसपास और मध्य प्रदेश को इस पर फोकस बनाया जाए। महाराष्ट्र और मुंबई के बाद इंदौर और मध्य प्रदेश को वहाँ की इंडस्ट्री कैसे देखे इस तरीके से कि हमारा अगला पड़ाव मध्य प्रदेश होगा, इंदौर शहर होगा, जो हम सपनों का शहर, 20 साल बाद का शहर, 25 साल बाद की पीढ़ी के लिए शहर, स्वच्छ शहर, साफ शहर, पर्यावरण की दृष्टि से अच्छा शहर बनाना चाहते हैं, उसमें आर्थिक उन्नति में और 4 सोपान कैसे लगे, इसका प्रयास कैसे हो, इसके लिए यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पर्यटन की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश को लाभ हो और इंदौर शहर को खासकर लाभ हो, इस तैयारी को किया जा रहा है।